हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल वे टू लर्न में। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। किसका? फेज सिक्स का, फेज एट का। अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है फेज एट का, इसका हम लोग देखेंगे क्या है, कटअप के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, और पिछले प्रीवियस ईयर का कंपेयर में इस बार क्या रह सकता है, और हम लोग दो तीन साल जो प्रीवियस ईयर का है उसका हम लोग कुछ कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि 2018, 2019 और 2020 का मैंने सैंपल लिया है, पोस्ट तो बहुत सारे हैं ऐसे, है ना। ऐसे 15 पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है, और कहीं पे 4 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 15 है, ऐसे मतलब हर एक पोस्ट का कुछ ना कुछ इस तरह से वैकेंसीज है ना। तो हर एक पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग कटअप रहता है इसमें, ठीक है। और जैसे कि हम लोग CHSL में जानते हैं 135 ऐसे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स बोल सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ बहुत ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि कटअप हम लोग का ये रहने वाला है, क्योंकि जिसमें कम वैकेंसी है उसमें फाइट ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसका कटअप भी ज़्यादा जाने का चांसेस रहता है। ऐसे हम लोग, मैंने क्या किया, सारा जितना भी टॉप हाईएस्ट गया है, ठीक है, टॉप हाईएस्ट कटअप गया है, उसके हिसाब से मैंने एक ग्राफ कंपेयर बनाया आपके सामने। देखिए 220 नहीं पहुंचा था, 218 पहुंचा था 2018 में, 118 कुछ कटअप था जनरल के लिए। ओबीसी के लिए अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 116 से लेकर 116 था। एससी का देख सकते हैं इसी तरह से 112, और ये एसटी का 90 के अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद 2019 में भी कुछ सिमिलर इस तरह से पैटर्न देखने को मिला था हम लोग को, और 20 में जो है, 20 में हम लोग फेज 7 का देखे थे, ठीक है। ये 5 था, 6 था, और ये 7 था, फेज 7, 6 और ये फेज 7 का कटअप ऐसे कुछ देखने को मिला था, अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए था। लेकिन जो टॉप कटअप था सारा ब्रांच के लिए, मैंने उसी को लिया है और उसके अनुसार मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सीट था, ETLS के लिए 60 था। ये किसका बात हो रहा है, ये हो रहा है हम लोग का फेज 7 का, फेज 7 का, और 10 प्लस लेवल के लिए, 10th लेवल का था। मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो भी वैकेंसी, पोस्ट वैकेंसी निकले थे उसके ऊपर मैंने ये मैं लेकर के आया, ठीक है। एसटी का देखिए 37 सीट था, ओबीसी का इस तरह से, और यूआर का इतना। तो आप देख रहे हैं सारा ये किसका है, मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट के लिए ये हम लोग का इतना सारा वैकेंसीज था, ठीक है। टोटल 1013 कुछ वैकेंसीज था, और इधर दिया गया है ये सब। देखिए ग्राफ में भी वैकेंसी मैंने शो कर दिया आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। आगे बढ़ते हैं। देखिए कटअप डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पे। देखिए कटअप डिटेल फॉर कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल क्या था, देखिए 57 देख सकते हैं, 57 पार्ट ए पार्ट बी दो एग्ज़ाम था, है ना, जिसमें पार्ट बी जिसमें जीरो था उसमें कुछ एग्ज़ाम हुआ नहीं, स्किल टेस्ट का होता है एक्चुअली ये, इसमें मार्क्स जोड़ा जाता है, अगर कुछ हुआ, अगर नहीं हुआ तो जीरो बैठाया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो किस तरह से मैक्सिमम गया है। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 114 गया है, ठीक है। कौन सा पोस्ट कोड था, पोस्ट कोड CR11319 के लिए, जिसमें कोड कैटेगरी 9 था, और कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, 100 थे। मैट्रिकुलेशन लेवल पे आप देख सकते हो 114 हम लोग का हाईएस्ट किया था, ठीक है, कटअप का बात है। लोएस्ट में आप देख सकते हो कितना है, इधर 50 लोएस्ट में आप देख सकते हो, ये 50 है। कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, 17 थे। देखा ये गया है जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा है उसमें कट ऑफ ज़्यादा गया, ठीक है, फाइट ज़्यादा हुआ है। इसमें कैंडिडेट कम थे इसीलिए 50 मार्क्स आप देख सकते हैं खाली गया था, ठीक है। स्किल टेस्ट हुआ था इस कोड के लिए, 8.50 था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस फेज 7 में क्या था कि कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद सारा हार्ड कॉपी को आपको क्या करना था, स्पीड पोस्ट करना था, ठीक है। सारा हार्ड कॉपी को आपको स्पीड पोस्ट करना था हेडक्वार्टर में,
एसएससी का, है ना, ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, और एक बात यह है, जो आपने फॉर्म भरा होगा तब उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भी प्रिंट आउट करके साथ में भेजना पड़ेगा, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, कैंडिडेट कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम बाय लॉग इन टू द वेबसाइट, ये एप्लीकेशन को भी प्रिंट करा के भेजना था, ऐसा नोटिस इन्होंने दिया था, एसएससी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसका, ये हायर सेकेंडरी का है, ये हायर सेकेंडरी का प्लस टू लेवल का पोस्ट का सारा कितना वैकेंसीज था ये हम लोग देख लेते हैं। 20 यहाँ पे 97, 20 ओबीसी का 7 और यूआर का 109, टोटल मिलाकर 253 सीट, अदर के लिए 1। ये हम लोग का टोटल वैकेंसीज का लिस्ट है। 1:10 रेशियो में सिलेक्शन होता है, ठीक है, 1:10 रेशियो में सिलेक्शन होता है स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए होता ही है। अच्छा, बता तो दिया है मैंने सारा, एप्लीकेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करा के भेजना पड़ेगा। ये तो देख सकते हैं वैकेंसीज का लिस्ट है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कट ऑफ डिटेल फॉर, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ डिटेल जो कि सारे स्टूडेंट देखना चाहते हैं, कट ऑफ डिटेल क्या था पिछले बार। एसएससी का साइट से मैंने ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए NR1041 ये पोस्ट कोड था, पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, ये 20 जन अप्लाई किए थे, कैंडिडेट अवेलेबल 20 थे और इसके लिए 112, देख सकते हो कहीं भी 120 से ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सारा पोस्ट के लिए इतना ही था, इतना ही क्या था, कटा मार्क्स था। मेरिट लिस्ट में जो बनेगा बनेगा, उस कम से कम 20 नंबर तो ऊपर, 10 से 20 नंबर आप मान के चल सकते हो मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए। ठीक है, और ये 112 क्या था, हाईएस्ट आप देख रहे हैं, लोएस्ट देख सकते हैं 50 है, जिसका 7 कैंडिडेट अवेलेबल 7 थे और यहाँ पे 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 13 था। वही बात फिर से, शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और हार्ड कॉपी, इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके भी भेजना जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ साफ इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड ग्रेजुएशन लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल में जो जो अप्लाई किए हैं बहुत सारा अच्छा अच्छा पोस्ट था इसमें, इंजीनियर का भी, जूनियर इंजीनियर के जेई का भी पोस्ट है इसमें। ठीक है, इस बार फेज 8 में भी जूनियर इंजीनियर का बहुत सारा पोस्ट देखा गया और पिछली बार जो था फेज 7 में इतना वैकेंसीज था, 24, 92, 32 और 171, टोटल आप देख सकते हैं 321 वैकेंसीज था। ठीक है, इसके बाद आप कटअप के बारे में अगर जानना चाहेंगे थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको हाईएस्ट कितना देखने को मिलेगा, ये 120 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें आपको इस तरह से कटअप देखने मिलेगा, लोएस्ट कटअप देखने को मिलेगा, 120 ही हाईएस्ट गया था, इसके बाद आप लोएस्ट का अगर बात करेंगे तो 51 देख सकते हैं, 51 हम लोग का लोएस्ट था और ये अवेलेबल कितना था, 4 कैंडिडेट। उसके बाद अच्छा पार्ट ए और पार्ट बी दो टाइप, दो राउंड में एग्जाम हुआ गया, लिया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक नोटिस मैंने ये भी लिया है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार सिस्टम, बहुत जन पूछ रहे थे ये सवाल जब हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम एनालिसिस बनाया था, जब एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा था उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंजीनियर का पोस्ट उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप देख सकते हो ये क्या था, मार्क्स इन रिटन एग्जाम आउट ऑफ 200 में 164 ये क्या है, देखिए एसएल नंबर टॉप जिसका रैंक 1 आया था उसने 164 लाया था। ठीक है, उसने 164 लाया था, इस तरह से आप देख सकते हो कितना कितना मार्क्स लाया गया था, टॉपर बाय टॉपर, टॉपर लोग कितना मार्क्स लाए थे। ठीक है, चलिए इंजीनियर का बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार सिस्टम का जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था, ये ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है। अच्छा, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मेटलर्जी का, मेटलर्जी का देख सकते हो सीरियल नंबर 1, ये क्या है, रैंक वन जिन्होंने लाया था वो 160 मार्क्स थे उनका। ठीक है, और इसी तरह से सारा मार्क्स आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, आपके सामने मैं लेकर के सारा कुछ रख चुका हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं कि कटअप कितना जा सकता है और क्या रह सकता है, इस बार का क्या रह सकता है। चलिए
कहीं कहीं पे रिटेन एग्ज़ाम, इसमें सिर्फ सिंगल राउंड में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सिंगल राउंड में एग्ज़ाम होता है। और बताया जाता है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये स्किल टेस्ट कुछ नहीं होता है, स्क्रूटनी होता है, सारा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा, यही स्किल टेस्ट बोला जाता है, इसमें होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ आपको अलग सा कुछ एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। अगर टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा तो टाइपिंग कभी कभी देना पड़ सकता है, अदरवाइज स्किल स्क्रूटनी जो है, स्किल टेस्ट जो है, वो आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, अदरवाइज ऐसा कोई और एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें। चलिए इतना तक देख चुके हैं, और इस बार अगर देखेंगे तो सारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्या है, कट ऑफ है, देख आप खुद ही देख लिए हैं, तो ऐसे में कट ऑफ एस्टिमेट करना, कट ऑफ का एक मार्क्स बता देना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ रह सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूँ, आपको इतना इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ पिछले बार था, उस हिसाब से आप अपना एजम्पशन लगा लो। और बहुत सारा पोस्ट है, किसका किसका कट ऑफ बताइएगा, क्या किसका किसका आप कट ऑफ बता सकते हैं, 120 अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो इनफ है, कोई ना कोई पोस्ट आपके पोस्ट के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर 140 या फिर 150 तो बन रहा है तो आप तो कंफर्म रखो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल के लिए तो जो ग्रेजुएट लेवल था वो कम से कम 140, आप मान के चलो जो जो पोस्ट में आप अप्लाई किए हो रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए, 140 अगर आपका है तो आप इजीली क्लियर कर गए हो एग्ज़ाम, ठीक है। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, आज का वीडियो में बस इतना ही था, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।